आज उन पैसों पर भी आपका अधिकार खत्म कर दिया है। तो इस सरकार ने पूरी तरह से जनता को कमजोर करने का काम किया है। ऐसी ऐसी नीतियां लाए हैं जिनसे आपकी कमर टूट रही है, जिनसे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और आपकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी आपको ये गारंटी दे रही है कि किसानों के लिए हम कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे। जब जब आपको कर्ज का संकट होगा आप उस आयोग से राहत मांग सकेंगे। आपके खेतों पर जब नुकसान होगा तो 30 दिन के अंदर अंदर उसका पूरा मुआवजा आपको मिलेगा, भुगतान आपको मिलेगा। खेती के सारे सामानों से GST को हटाया जाएगा, उनको सस्ता किया जाएगा। आज आपको सही दाम नहीं मिलता उपज का, हम आपको सही दाम दिलवाएंगे, ये कानून बनाएंगे। ये आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा कि आपको उपज के लिए को भी रोजगार नहीं दिलवा रहे हैं। और जहां तक इनकी रोजगार की स्कीम है तो ये अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं। आप सब मेहनत करते थे, यहाँ के नौजवान कि हम सेना में भर्ती होंगे, देश के लिए शहीद होने की इच्छा थी, लेकिन अपने माँ बाप का देखभाल, अपने परिवार की परवरिश, अपने परिवार के लिए एक स्थायी रोजगार लेने की भी इच्छा थी। आप सब ने परिश्रम किया, मोदी जी की सरकार ने क्या किया, अग्निवीर ले आए, बोला कि 4 साल बाद सेना में भर्ती हो जाओ, 4 साल बाद घर आ जाओ, फिर से नौकरी ढूंढना शुरू करो। तो आज नौजवान सोचता है कि मैं क्यों करूं इतना परिश्रम, जब 4 साल बाद घर लौट जाऊंगा फिर से मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, कोई स्थायी नौकरी नहीं, कल को मैं शहीद भी हो गया तो मुझे पूरी तरह से शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को देखिए, आज पुराना पेंशन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में मिल रहा है, जहां जहां भाजपा है वहां पुराना पेंशन नहीं मिलता, नया पेंशन है। तो लोग सालों के लिए आजीवन सरकारी नौकरी करते हैं ये सोच के कि जब हम बुढ़े होंगे, जब हम रिटायर